अगर इस तरह के ओपन पोर्स या विजिबल पोर्स आपके चेहरे पे हैं, तो किस तरह के क्रीम्स आपको यूज करने चाहिए अपने पोर्स को कम करने के लिए, ये आपको पता चल जाएगा अगले 5 मिनटों में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इप्सिता जौहरी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं स्किनफिनिटी डर्मा क्लिनिक पे, और आज मैं आपको बताने वाली हूं ओपन पोर्स के लिए किस तरह का स्किन केयर रूटीन और कौन से क्रीम्स यूज करने चाहिए। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि स्किन से रिलेटेड हर चीज आपको पता चले सबसे पहले। ओपन पोर्स क्यों होते हैं, इसकी वजह मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे कि ये जो ओपन पोर्स हैं, जो हम सभी के चेहरों पे होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे ऑयल ग्लैंड की ओपनिंग है, पर कुछ लोगों में ये ओपन पोर्स कुछ ज्यादा ही वाइड हो जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं, स्पेशली टी जोन में या अराउंड द चीक। इस केस में आपको किस तरह का स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं ये बताऊं स्किन केयर रूटीन क्या होता है। हर दिन आपको सुबह, दोपहर, रात कुछ ऐसे क्रीम्स लगाने होते हैं जिससे आपकी स्किन वेल नरिश रहे, ठीक उसी तरह जैसे आपकी बॉडी को आप समय समय पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी का फंक्शन नॉर्मल रखने के लिए। तो अगर आपकी स्किन पे है ओपन पोर्स, तो आपको सुबह के टाइम जो चीजें यूज करनी है वो ये है। सबसे पहले लगाइए एक पेप्टाइड क्रीम। पेप्टाइड क्रीम होती है जो आपके स्किन पे ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करती है, कोलाजन का बनना स्टिमुलेट करती है, और इस तरह से आपके पोर्स को टाइट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप पेप्टाइड क्रीम रेगुलरली यूज करते हैं, तो आपके स्किन में जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। पेप्टाइड क्रीम के ऊपर आपको लगाना है एक अच्छा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हम सब के लिए एक पर्सनल चीज है, हम सबकी स्किन पे एक अलग मॉइस्चराइजर होता है जो बेस्ट सूट करता है। तो सबसे पहले आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपका मॉइस्चराइजर आपके स्किन टाइप के लिए है या नहीं। अगर आपकी स्किन काफी ऑयली है, तो आप एक वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें। अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो इस केस में आपको अपने स्किन पे स्कोलीन या सेरामाइड्स वाला मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। यह आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है और जो ड्राई स्किन होने के कारण स्किन में डलनेस आ रही होती है उसे ठीक करता है। पेप्टाइड क्रीम हो गई, इसके ऊपर आपका मॉइस्चराइजर हो गया। अब तीसरा स्टेप आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अगेन आपको यूज करना है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। सनस्क्रीन होना चाहिए SPF 35+, और उस पर लिखा होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का मतलब होता है वो आपको इनडोर, आउटडोर हर तरह की लाइट से प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसमें अगर आपका फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह का सनस्क्रीन मिक्स्ड हो, तो ये आपको और भी बेहतर प्रोटेक्शन दे सकता है। सनस्क्रीन के बारे में एक बात और जान लें कि ये आपको यूज करना है इवन इफ यू आर एट होम, यानी घर पे भी आपको सनस्क्रीन लगाना है और रीअप्लाई भी करना है, क्योंकि घर के अंदर भी जो आपके लाइट्स होती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट घर के अंदर आ रही होती है, या लाइट्स जो आपके LED लाइट से, फोन से या लैपटॉप से जो लाइट्स आती हैं, वो भी स्किन को सेंसिटिव करती हैं, ओपन पोर्स को बढ़ाती हैं, स्पेशली अगर आपके ओपन पोर्स का कारण है फोटो सेंसिटिव स्किन टाइप। अब हम आ जाते हैं आफ्टरनून रूटीन की तरफ। आफ्टरनून में आप यूज कर सकते हैं सिर्फ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप डायरेक्टली सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और ग्लो चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं एक विटामिन सी सीरम, और उसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगा सकते हैं। ये हो गया आपका आफ्टरनून रूटीन। ये आफ्टरनून रूटीन एक प्लस पॉइंट है, अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात, वरना आप सीधे डे केयर के बाद नाइट केयर रूटीन पे जा सकते हैं। नाइट केयर रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो रहेगा वो होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपके ऑयल ग्लैंड के सिक्रीशन को नॉर्मलाइज करता है। इसलिए जिन लोगों में ओपन पोर्स की वजह है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, वो वजह को ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो आपके पोर्स हैं, वहां पे कोलाजन लॉस की वजह से पोर्स डायलेटेड हैं, एक्स्ट्रा कोलाजन फॉर्म करके भी रेटिनॉल आपके पोर्स को टाइट करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो रेटिनॉल आपके स्किन सेल टर्नओवर को अच्छा करता है, यानी कि कोई भी डेड स्किन जिसके कारण स्किन पे डलनेस आ रही हो, वो चीज को भी एलिमिनेट करेगा और फेस पे ग्लो लाने में हेल्प करेगा। Nevertheless, retinol also is a very good anti-aging agent, यानी कि ये आपके fine lines और wrinkles को भी कम करेगा।
इतने सारे प्रॉपर्टीज रेटिनॉल में है, लेकिन ये कई बार स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। इसलिए रेटिनॉल को यूज करने का सही तरीका फॉलो करें। रेटिनॉल में ये सारी खूबियां हैं, पर रेटिनॉल को बहुत जरूरी है सही तरीके से इस्तेमाल करना। इसलिए रेटिनॉल अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं अपने ओपन पोर्स के लिए, तो उसके पहले मेरा रेटिनॉल के ऊपर ये वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। प्रॉपरली रेटिनॉल अगर आप रात में इस्तेमाल करते हैं विद मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके, तो ये आपको स्किन पे बेस्ट रिजल्ट देता है। तो हमने समझ लिया मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट रूटीन ओपन पोर्स के लिए। ओपन पोर्स अगर आपको विद इन 3 to 6 months इस रूटीन से कम होते नजर आते हैं, देन यू कैन मेंटेन द सेम ट्रीटमेंट। अगर आप और भी फास्ट रूटीन चाहते हैं या फास्ट क्विक रेमेडी चाहते हैं अपने ओपन पोर्स के लिए, तो आप स्किन क्लिनिक्स में जाके कुछ ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि डर्मापेन 4, CO2 लेजर, फ्रैक्चुरल इन्फ्यूजन, माइक्रो नीडलिंग, इस तरह के बहुत सारे मेडिकल फेशियल्स, लेजर ट्रीटमेंट्स क्लिनिक्स में मौजूद होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग आर Skinfinity Derma चैनल टू बी अपडेटेड ऑन ऑल द लेटेस्ट स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट्स। दिस इज मी डॉक्टर इप्सिता साइनिंग ऑफ। कीप फॉलोइंग अस एट Skinfinity Derma ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। Take care.